यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं उन मुद्दों से जो सीधा जनता से सरोकार रखते हैं, और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ही गंभीर मुद्दा जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के अलग अलग जिलों में सफाई कर्मचारियों की ओर से की जा रही हड़ताल की। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 8वां दिन है और बीते दिनों सफाई कर्मचारियों ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन लगता है कि उसका भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा है। और अब आलम यह है कि हरियाणा की गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कूड़े के अंबार लग गए हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ जनता को ही परेशानी हो रही है। और ऐसे में एक बार फिर से सवाल खड़े होते हैं कि इन सब का जिम्मेदार कौन है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी ये सफाई कर्मचारी हैं वो 8 दिन से हड़ताल पर हैं, और यहाँ पर जितनी भी बैठकें हो रही हैं वो बेनतीजा साबित हो रही है और जगह जगह कूड़े के अंबार लग गए हैं। लेकिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और अब यहाँ पर इंतजार इसी बात का है कि आखिरकार किस बात पर सहमति बनेगी और ये सफाई कर्मचारी जो हैं कब अपनी हड़ताल को खत्म करेंगे। तो यहाँ पर आज के बड़े सवाल हम आपको दिखाते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के खास सवाल क्या है। तो यहाँ पर आज के बड़े सवाल आपको बताते हैं कि आज के बड़े सवाल क्या क्या है। आखिर कब खत्म होगी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, ये आज का बड़ा सवाल है। क्यों सफाई कर्मचारी और सरकार के बीच बात नहीं बन रही है, सहमति नहीं बन रही है? आखिर क्यों बार बार हड़ताल का सहारा ले रहे हैं ये कर्मचारी, और सरकार के एस्मा के आदेशों की क्यों धज्जियां उड़ रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर सवाल सफाई कर्मचारियों के ऊपर भी उठ रहा है। यहाँ पर एस्मा की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जनता को परेशानियां हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और आखिर कब खत्म होगी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल? तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो ये सफाई कर्मचारी है इनकी हड़ताल जो है कितनी जायज है, सरकार के एस्मा के आदेशों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है और जनता को बार बार परेशानी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप अपनी राय दे सकते हैं हमें फोन करके, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आप फोन लाइन के जरिए हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि जो ये सफाई कर्मचारी है लगातार 8 दिन से हड़ताल पर है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में जो सफाई की व्यवस्था है वो चरमरा गई है। आपको बता दें कि 63 नगर पालिकाएं हैं, 17 नगर परिषद हैं और 10 नगर निगम हैं जिनके कर्मचारी जो है हड़ताल पर चले गए हैं। यानी कि यहां पर आपको बता दें कि जो 30,000 कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, और इतनी बड़ी संख्या में जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर की जो दुर्दशा होगी वो किस तरह की होगी, शहर किस तरह से गंदा हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी ये सफाई कर्मचारी हैं इन्होंने एक निर्णय लिया था कि जो पानी की जो व्यवस्था है उसको बाधित नहीं किया जाएगा, बाकी जितनी भी सेवाएं हैं उनकी तरफ से नहीं दी जा रही हैं, और यहाँ पर सरकार ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए, सरकार ने एस्मा लगाया। लेकिन सोनीपत से आपको बता देते हैं कि सोनीपत में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने एस्मा के आदेशों की प्रतियों को फाड़कर सरकार का पूर्ण रूप से विरोध किया यहाँ पर। तो आज हम बड़े सवाल आपको लगातार बता रहे हैं, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल कितनी जायज है, जनता को परेशानी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या सरकार जिम्मेदार है, क्या सफाई कर्मचारी जिम्मेदार है? और यहां पर आपको बता दें कि जो सफाई कर्मचारी है उनकी मुख्य मांगे क्या है, उनकी मुख्य मांगे यही है कि उन्हें समान काम समान वेतन दिया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम के पहले दर्शक दीपक हिसार से जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। ना हमारी मांग ये है कि जो है ये एकदम जो है जितने भी सफाई कर्मचारी थे उन्होंने जो है ये अपनी जो हड़ताल जो रखी हुई है इससे पूरा हरियाणा जो है डस्टबिन की तरह बन गया है ये, और हमें हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ये इनकी जो जायज मांग है वो मांगनी चाहिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है लगातार कि उनकी मांगों को माना जाए, और यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या इनके बीच में सहमति बनेगी, क्योंकि अभी तक जो बैठक हुई है वो बेनतीजा साबित हुई है। आपको बता दें कि स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद शर्मा के साथ जो बैठक की गई थी वो दिल्ली में हरियाणा भवन में जो बैठक की गई थी वो बेनतीजा साबित हुई थी, और यहाँ पर सरकार की तरफ से जितनी भी दिक्कतें थी उन्हें सुना गया था, और यहाँ पर जितने भी ये कानून के जरिए उन्होंने बोला था कि ये कानून के हाथ में, और यहाँ पर अगले दर्शक बिट्टू शर्मा महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हेलो जी। हेलो जी, अपनी राय रखिए। ये जैसे कि सफाई कर्मचारियों ने जिस आंदोलन लगा रखा है जी, तो मेरा तो इनसे है कि कहने का तरीका है कि आप अपने काम को बंद न करके ज्यादा से ज्यादा काम करें, सरकार अपने आप नीचे देखने लग जाएगी जी, आपकी वजह से बीमारियां पैदा हो जाएंगी अगर काम नहीं करोगे तो जी, हालात ऐसे खराब हो जाएंगे, पहले ही बारिश का मौसम चल रहा है जी, तो सफाई रोक के आप ये मत गलत तरीके से मत अपनाओ, ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाओ, कुछ इस तरीके से करो, काले बिल्ले लगा के और अलग तरीके से थोड़ा प्रदर्शन करो, काम रोकने से तो आमजन परेशान होगा ना कि सरकार, सरकार तो एसी रूम में रहती है, अच्छे पार्कों में घूमती है, उनसे क्या फर्क पड़ेगा उनसे जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर विरोध के और भी तरीके हो सकते हैं, यहाँ पर हमारे दर्शक लगातार अपने सुझाव दे रहे हैं, काले बिल्ले लगाकर जितने भी सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पर अपनी मांगों को रख सकते हैं। और आपको बता दें कि थोड़े ही दिन पहले आंधी तूफान ने तबाही मचा रखी थी, जिसके चलते जितने भी शहर थे वो गंदगी का अंबार बन गया है वहां पर, और सफाई नहीं हो रही है। और यहाँ पर पानीपत से रणबीर हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि रोजाना आप इस समय एक और किस्म की प्रकार की नई उठाते हो। जी शुक्रिया। दूसरी बात मैडम जी, जो ये स्ट्राइक इन्होंने कर रखी है जी, हरियाणा के सभी कर्मचारी, एक विभाग स्ट्राइक खत्म करता है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरा शुरू करता तीसरी खत्म हो जाती है जी, और जो ये सफाई कर्मचारी है ये सिर्फ एक ही जाति से है, वाल्मीकि समाज से जी, और देश की गंदगी सिर्फ यही समाज उठाता है और किसी जाति के बस की बात नहीं है, सिर्फ यही समाज ऐसा है जो शहर की गांव की हर तरह की गंदगी उठाता बेचारा। इनकी मांग बिल्कुल जायज है, इनकी मांग मानी जाए जानी चाहिए। दूसरी बात मैं बीजेपी वाले नेताओं से कहता हूँ, जो फोटो तो आते थे पत्ते गिना के झाड़ू उठा के फोटो तो उतरवाते थे, वो आज या गंदगी क्यों नहीं उठाते, आज वो घरों में चुप क्यों बैठे हैं जी, या तो वो खुद गंदगी उठाएं, जो फोटो तो कहते थे स्वच्छ अभियान के नाम से उन्होंने फोटो उतरवाए, या गंदगी उठा के दिखाओ ना, उनको पता लगेगा। और मैं ये कर्मचारी भाइयों से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सोच विचार करें, जनता बहुत परेशान है, गंदगी बहुत फैल चुकी है, कृपा करके अगर सरकार आपकी जायज मांगे नहीं मानती तो स्ट्राइक को खत्म करके और तरीके अपनाइए और इस गंदगी को उठाइए प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर देखा ये जाता है कि सरकार बार बार स्वच्छ भारत की बात करती है, और यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान का मिशन चलाया गया था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सब दावे जो है ये हवा होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगले दर्शक वीर कुमार सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। वीर कुमार, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, अपनी राय रखिए। ये जो कर्मचारियों की जायज मांगे हैं जो मान ली जाए, इन्होंने बहुत दिनों से धरना दे रखा है जी, ये बहुत परेशान है जी, सफाई कर्मचारी और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं जी, जिससे भी जनता को कोई परेशानी ना हो, इस टाइम ये जायज मांगे मान ली जाए, और जो सीजन है वो फायर का है, और अगर कोई बड़ी घटना होगी तो इसका जिम्मेवार कौन है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर आपको एक बात और बता दें, सफाई कर्मचारी तो हड़ताल पर है ही, साथ में जितने भी ये फायर के कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर है। आपको बता दें कि 135 फायरमैनों को निकाला गया था, तो यहाँ पर रोजगार देने की सरकार बात करती है लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी दिखाई दे रही है। और रोहतक से अगले दर्शक कश्मीर शाह हमारे साथ जुड़ गए, अपनी राय रखिए। हाँ जी, हाँ जी जी, अपनी राय रखिए सर। हाँ जी, सरकार को
दस दस साल हो जाए कच्चे कर्मचारी है, उनको पक्का करना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनकी लगातार यही मांग है कि जितने भी ये कच्चे कर्मचारी हैं इन्हें पक्का किया जाए, और यहाँ पर सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच कहीं ना कहीं जो है सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक बात आपको ये भी बता दें कि जितने भी विपक्षी हैं उन्हें यहाँ पर एक मुद्दा मिल गया है भुनाने के लिए, और कहीं ना कहीं जितने भी ये विपक्षी हैं यहाँ पर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कानूनी सलाहकार और वरिष्ठ नेता अशोक वर्मा ने इनका समर्थन किया है, आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने इनका समर्थन किया है, और यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने भी कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया है। तो जितने भी ये विपक्ष के लोग हैं इन्हें एक मौका मिल गया है। और यहाँ पर कैथल से हमारे अगले दर्शक शाहद हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपनी राय रखिए। नमस्ते मैम जी। नमस्ते मैम, ये जो सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई है इनकी बिल्कुल जायज मांगे हैं जी। इनको सरकार ने इनको पक्का करना चाहिए और समान काम समान वेतन देना चाहिए जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बता दें कि जब भी चुनाव आते हैं तो घोषणा पत्र में सबसे पहले वादा होता है समान काम और समान वेतन का, और जब ये मांगे सफाई कर्मचारियों के द्वारा रखी जा रही है तो सरकार जो है इनकी अनदेखी कर रही है। और गोहाना से अगले दर्शक राजकुमारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हाँ जी मैडम जी। जी अपनी राय रखिए। राय यही है जी, इनको पक्का करा जाए जी, इनकी तनख्वाह नहीं मिलती, चार चार पांच पांच महीने हो जाए जी, क्या बच्चों को खुआवे अगला जी, दूध पानी कहाँ से लाए जी, जी हैं डॉक्टरों की फीस कहाँ से लाए, कोई बीमारी है घर में आ जाए जी, इनको पक्का करो जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो ये बेसिक नीड्स हैं जो आज हर एक आम आदमी को चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वो अनदेखी कर रही है, यहाँ पर तनख्वाह भी जो है वो समय पर नहीं दी जाती है। तो ऐसे में जो ये सफाई कर्मचारी हैं ये अपने घर का पालन पोषण किस तरह से करें, क्योंकि ये तनख्वाह ही है जिसके जरिए वो अपने घर का पालन पोषण कर सकते हैं, और वही इन्हें लेट मिलती है। साथ के साथ जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं इन्हें पक्का करने की यहाँ पर मांग उठाई जा रही है। और आज के बड़े सवाल हम आपको फिर से बता देते हैं कि क्यों कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, आखिर क्यों बार बार हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है जितने भी सफाई कर्मचारी और सरकार, और साथ के साथ जितने भी सफाई कर्मचारी इनके ऊपर भी सवाल उठता है कि क्यों सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश एस्मा का विरोध किया गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई, आखिर अब सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो कब खत्म होगी। ये लगातार बार बार हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या लास्ट में परिणाम यही रहेगा कि क्या इनका नतीजा निकलेगा, किस बात पर सहमति बनेगी सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच। और गुरुग्राम से धर्मेंद्र हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। अपनी राय रखिए धर्मेंद्र। तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपने सुझाव रख सकते हैं, जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उसके जरिए आप हमारे कार्यक्रम के द्वारा जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और सिरसा से गगनदीप हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। गगनदीप क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? यस मैडम। जी अपनी राय रखिए जी। ये जो नगर पालिका के फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं ये एक हफ्ते से ये लमसम धरने पे बैठे हुए हैं, और जी ये कच्चे कर्मचारी हैं, इनको इनके जो बाल बच्चे हैं और ये हड़ताल पे बैठे हैं, उनका क्या सलूशन होगा? इतने दिनों इनको तनख्वाह भी मिलती नहीं है और इनको 10-10 साल हो गए लगे हुए को जी। और अब इन सरकार इनको हटा रही है, नोटिस जारी कर दिया जी। तो इसका कोई हल हो सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी ये सफाई कर्मचारी हैं बार बार आपको बता रहे हैं कि इनके पास सिर्फ सरकार के द्वारा दी जा रही तनख्वाह ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए वो अपने घर का पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन अगर वक्त पर उन्हें वो ही ना मिले तो ऐसे में उनके घर का क्या हाल होगा। और हरियाणा से शीशपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। नमस्कार। नमस्ते मैडम।
नमस्कार। ये सफाई कर्मचारी है जी, इनके बारे में सरकार बोल रही है कि सरकार पे बोझ पड़ेगा। अगर ये जो मतलब नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया, विजय माल्या भाग गया, तब सरकार पे कोई बोझ नहीं पड़ा, तो इनका क्या बोझ पड़ेगा? ये बड़ा देश है, समुद्र है, इसमें कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होगा। इनकी जो मांगे माननी चाहिए, जो की जनता काफी परेशान है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर आज हमने ऐसा मुद्दा उठाया है जिसका सीधा सरोकार आपसे है, क्योंकि जितने भी ये सफाई कर्मचारी हैं, लगभग आपको बता दें कि जो 30,000 कर्मचारी हैं ये हड़ताल पर चले गए हैं, ऐसे पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर की दुर्दशा किस तरह की होगी। तो आरके कालिया अम्बाला से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। धन्यवाद। देखिए राय क्या नहीं है, सारा मामला चौपट है जी। जो कर्मचारी हैं वो तो मैं मानता हूँ किसी हद तक दोषी होंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरी होगी। सरकार ने वादे किए, सरकार वादे पूरे नहीं करती, सरकार कोई भी हो। हमारा सरकार से, भाजपा से, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं जी। आप अच्छे मुद्दे लेते हो तो हम अपने मन की बात करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो देखिए, इनको सोचना चाहिए, जो हमारे पैरोकार हैं, राजनेता हैं, इनके बाल बच्चे हैं, इनसे जो वादा किया था कम से कम वादा तो पूरा करो। एका प्रथा शुरू कर दी, एका प्रथा इतनी घटिया प्रथा है, आम आदमी को परेशानी हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। जो बड़े लोग हैं, जो बहुत उच्च अधिकारी हैं, जो बड़े राजनेता हैं, उनकी कुटिया तो साफ सुथरी मिलेंगी आपको, आस पड़ोस साफ सुथरा मिलेगा, तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। सरकार उसके बारे में सोचना चाहिए, या तो इनकी मांगे पूरी करे या इनके खिलाफ एक्शन ले। अगर ज्यादा बात है, उलझन वाली बात है, तो इनके खिलाफ एक्शन ले, नई भर्ती करें, लोगों को तो पसंदीदा ना हो। और एक और हाल है, मैं माफी चाहूंगा, आप मेरी अजीजा हैं, बहुत छोटी हैं आप मेरे से जी। जितना भी ये गंदगी का ढेर है, कचरा है जी, ये राजनेताओं के घर के सामने होना चाहिए, राजनेताओं के खास तौर से जी। इन्होंने देश को कहीं का नहीं छोड़ा, देश के लिए ये मैं क्या कहूँ, बोझ बने हुए बोझ। आम लोगों के लिए कितनी परेशानी पैदा हो रही है, हर हर स्टेप पे परेशानी है, हर कदम कदम पर परेशानी है। लोगों को खाम खा उलझा रखा है, लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और कोई चारा नहीं है इसका। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी ये सफाई कर्मचारी है लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें पक्का किया जाए, ठेका प्रथा को खत्म किया जाए, उनकी तनख्वाह जो है वो समय पर मिले, साथ के साथ जितना भी समान वेतन की यहाँ पर मांग की जा रही है। लेकिन ऐसे में सरकार समझ नहीं आ रहा कि क्यों अनदेखी कर रही है इन सभी मांगों की, क्यों सहमति नहीं बन पा रही है। और कैथल से अगले दर्शक चाहत हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। हेलो, नमस्ते मैम जी। जी नमस्ते मैम। ये जो सफाई कर्मचारी ने हड़ताल रखी हुई है, इनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं जी। इनको समान काम समान वेतन और इनको पक्का किया जाना चाहिए मैडम, और ये ठेका प्रथा बंद कर देनी चाहिए। और कैथल के अंदर सफाई कर्मचारियों के मैडम 9-9 महीने हो गए हैं जिनको सैलरी नहीं मिली अब तक, तो उनका घर कैसे चलेगा जी। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, इनको पक्का करना चाहिए और ये ठेका प्रथा बंद करनी चाहिए मैडम जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर लगातार हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जितनी भी ये सरकारें हैं चुनावों के समय में घोषणा पत्र में सबसे पहले इनकी बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, जितने भी जाति धर्म की है उनकी सबकी बात करते हैं, सफाई कर्मचारियों की बात करते हैं। और यहाँ पर गुरुग्राम से मनोज अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था जी। जी, जो अभी मोदी जी सफाई अभियान चलाते हैं देश के अंदर, वो लीडर कहाँ गए? अब उन लीडरों को आगे आना चाहिए। अगर इन्होंने हड़ताल कर ली तो वो लीडर आए झाड़ू लेकर रोड पे आए जी, भारत को भारत अभियान दिखाए, वो देखे तो सही। ये राजनीति करने के लिए मुद्दे पे सामने आ जाते हैं लोग जी। सफाई के लिए अभी कर्मचारी, इनको सफाई कर्मचारी जितने भी हड़ताल में गए हुए हैं जी, इनको सबको पक्का किया जाए, इनका वेतन बढ़ाया जाए, जो इनकी डिमांड है, जो मांगे वो जायज है, उनको पूरा किया जाए। इतनी गर्मी के अंदर आप आइए, अभी सफाई करने के लिए कर्मचारी नहीं मिल रहे लोगों को जी। तो मैं
गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनको पक्का किया जाए और जल्द से जल्द इस चीज का समाधान शुरू से निकाला जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बता दें कि जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं इनके नुमाइंदे बड़े बड़े कैमरे लेकर सड़कों पर उतरते हैं, झाड़ू हाथ में लेकर और सड़कों को साफ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब जब वाकई ही शहर की गलियों की गाँव की जो हालत है वो इतनी बुरी हो गई है, जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं, लेकिन अब ये जितने भी राजनेता है जितने भी ये नेता है अब ये कहाँ है, क्या वाकई ये खुद सड़कों पर नहीं उतर सकते? और साथ के साथ सफाई कर्मचारियों के लिए भी यहां पर एक हिदायत दी जा रही है दर्शकों के द्वारा कि वो भी अपनी मांगों को किसी और तरीके से रख सकते हैं। और उत्तराखंड से आजिद हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। आजिद अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करके आप अपनी राय रख सकते हैं। जी मैम। जी मैम, यह है कि जहाँ जहाँ उत्तर हमारे उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर तो हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। जी और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर हर व्यक्ति के साथ अत्याचार हो रहा है। और जब से हमारे मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं महंगाई बेरोजगारी अत्याचार लूटमार डकैती और यहाँ तक हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार खुल्लम खुल्ला बीजेपी विधायक और ये लोग कर रहे हैं। जी। और अभी कर्नाटक के चुनाव हुए हैं, कर्नाटक के चुनाव में जो है कांग्रेस और गठबंधन जो है उभर रहा है मगर राज्यपाल मोदी जी जो है उनको आमंत्रण नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को आमंत्रण कर रहे हैं। तो मोदी जी वहां से फोन कर रहे हैं उनको राज्यपाल जी को, तो ऐसा होना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ चल रहे हैं और संविधान बदलने के खिलाफ चल रहे हैं। जी। तो हमारी जनता के साथ ये एक छुरा भोंकने जैसा काम कर रही है बीजेपी। तो हमें ऐसी बीजेपी सरकार नहीं चाहिए, तो जनता के जो है जो लोगों को दिलों का क्या कहते हैं वो कुचल रही है, आवाज कुचल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो मोदी जी बात करते थे अच्छे दिनों की और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने अच्छे दिन आ गए हैं मोदी राज में। और अंबाला से रमेश कुमार हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कर्मचारियों की आवाज को उठाते हैं। जी शुक्रिया। इंस पाई कर्मचारियों की जायज मांगे को पक्का कर देना चाहिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री मनोहर लाल जी से निवेदन करता हूँ कि हरियाणा के जितने भी कच्चे कर्मचारी है सबको पक्का किया जाए। और ये मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल बहुत ही अच्छे है, नेचर के ईमानदार आदमी है और ये सभी को पक्का करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार वो यही कह रहे हैं कि ये सफाई कर्मचारी हैं, इनकी मांगे जायज हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को सुन नहीं रही है। तो यहां पर आज हम तो बिजनौर से चतर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। तो लगता है यहाँ पर हमारा संपर्क जो है उनके साथ टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज सफाई कर्मचारियों को सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की आज हम बात कर रहे हैं। तो हिमाचल से नागेंद्र सिंह नेगी अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैडम, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी मैडम, ये जो सफाई कर्मचारी जो जितने भी होते हैं किसी भी शहर के हो चाहे, ये सारे के सारे दलित दूर और ये गरीब लोग होते हैं और इनका ना तो प्रोविडेंट फंड काटते हैं ये लोग, ना ही इनको वक्त पे तनख्वाह देते हैं। सरकार खुद मतलब छोटे बड़े का छुआछूत का भेदभाव करती है ऐसे लोगों के साथ। तो सरकार को तो चाहिए कि इनके साथ तो जो जाति समाज करता है उसके उसका भी उर्ण करना चाहिए, उसके ऊपर मतलब लगाना भी सरकार का काम होना चाहिए। और अभी शिमला में जो हड़ताल हुई थी पूरा शिमला शहर जो कचरा कचरा हो गया, आज पूरे हरियाणा में जहां जहां भी इनकी हड़ताल है वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का एक अग्नि परीक्षा है कि वो अपने नेता की कितनी बात मानते हैं और कितना स्वच्छता अभियान वहां पर शुरू करते हैं। सिर्फ क्या वो फोटो खिंचवाने के लिए ही मतलब ये झाड़ू पकड़ते हैं? जी
धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों के हड़ताल की। आपको बता दें कि हिमाचल में भी कुछ दिनों पहले जितने भी सफाई कर्मचारी थे वो हड़ताल पर थे, और हिमाचल को सफाई के लिए जाना जाता है, और वहां पर भी जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए थे। और अब इसके बाद हरियाणा में यही हाल फिर से बन गया है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बुरी हालत हो गई है हर गाँव की, हर गली की। सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बैठे हैं, अपनी मांगे यहां पर सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार जो है ये मांगे नहीं सुन रही है, उल्टा इनकी आवाज को दबाने के लिए एस्मा को लगाया जाता है। लेकिन यहां पर जितने भी ये सफाई कर्मचारी हैं, इन्होंने भी एस्मा के आदेश की प्रतियों को फाड़कर सरकार का विरोध किया है। और यहां पर आपको यह भी बता दें कि जितने भी ये सफाई कर्मचारी हैं, इनकी आवाज में आवाज मिला रही है विपक्षी पार्टी। यानी कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष की जब सरकार थी तो ऐसे मुद्दे सामने नहीं आते थे, तब भी ये मुद्दे सामने आते थे, लेकिन बात यह है कि यहां पर जब ये बीजेपी सरकार बन रही है तो विपक्षियों को एक अच्छा खासा मुद्दा मिल गया है भुनाने के लिए, और यहां पर विपक्षी भी लगातार इन सफाई कर्मचारियों के समर्थन में आ रहे हैं, और सफाई कर्मचारियों की लगातार यही मांगे हैं कि उन्हें पक्का किया जाए और यहां पर ठेका प्रथा को खत्म किया जाए। तो देखते हैं कि क्या नतीजा रहेगा इनकी हड़ताल का। फिलहाल नमस्कार।